साथियों, हम परीक्षा गुरु की टीम बिल्कुल पहुंच चुकी है आपके अपने के पहले प्रथम पाली के समाप्त होने के बाद। जी हाँ, कैसा गया है पेपर? सभी लोगों से जानना, तो मैम प्लीज बताएं कैसा गया पेपर। हम लोग काफी हार्ड था, लेकिन हमने मेहनत की है, तो काफी माइनस मार्किंग था, लेकिन किया हमने किया। अच्छा, तो मतलब सभी लोगों का पेपर कैसा गया है? एवरेज गया है। अच्छा, चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि पिछले वर्ष का पेपर सब लोगों ने एनालिसिस किया था, तो इस वर्ष का पेपर क्या पिछले वर्ष के पेपर से ज्यादा सरल था या कठिन था या एवरेज था? मतलब एक मान सकते हैं हम लोग कि एवरेज और हार्ड था। जी, डीआई हार्ड थी। हाँ बिल्कुल, डीआई हार्ड थी। ग्राफ वगैरह कैसा था? ग्राफ भी थोड़ा हार्ड था। चलिए थोड़ा सा आ जाएंगे, सभी लोग इधर आ जाइए, थोड़ा क्लोज आ। हाँ जी बिल्कुल। तो ये बताइए जरा सा कि आगे आपका जो अगली पाली वाले बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सभी लोग कि क्या कितने क्वेश्चन वो लोग करके जाएं? सर, वो अपने से कर लेंगे, लेकिन वही मतलब 70-65% के आस पास बनेगा। मतलब इस बार मेरी पहले मैं चाहूंगा कि पहले 50 नंबर आप स्टैटिस कर लें, उसके बाद मैथ और उसको छुए, क्योंकि वो उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। मेरा इसमें डीआई वाला जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें बहुत टाइम टेकिंग है, इसलिए पहले जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसको आप कर लीजिए, उसके बाद डीआई को टच करिए। डीआई को टच करें, मतलब कि पहले स्टैटिक पोर्शन टच करें, उसके बाद डीआई को हमें टच करना है। डीआई में टाइम बहुत ज्यादा ही लग रहा है, बहुत ज्यादा। हिंदी का पैसे जो इस बार आया है वो। तो मैम ये बताइए पेपर कैसा रहा आपका? अभी हमारा हुआ नहीं है। अभी हुआ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। आप सब लोगों के बारे में सुन लीजिए कि क्या हो रहा है, आगे कैसे देना है पेपर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों का लगभग, मतलब आप लोगों को क्या लगता है इस बार की कट ऑफ क्या जाने वाली है? मतलब एक जो मेरिट लिस्ट है, कट ऑफ इसका कहना गलत होगा, एक जो मेरिट लिस्ट है ये कितनी रह सकती है? 60 से 65 रहेगी। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगर 60 से 65 रह रही है। हाँ, मतलब पेपर टफ था पिछली बार से, पेपर टफ था। ये बताइए हिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे आए? हिस्ट्री क्वेश्चन काफी अच्छे थे, वैसे जो हमने कोचिंग की है ना वही है। जीएस सारी जीएस नॉर्मल थी। ज्योग्राफी के क्वेश्चन जीएस क्या क्या पढ़ने की जरूरत थी? मतलब छुआ गया था, बस ऐसे कह सकते हैं कि ज्योग्राफी छुआ गया था। ज्योग्राफी के ही है, जीएस में जो कोई लूसेंट पढ़ा हुआ है तो अच्छा खासा कर ले। मतलब जीएस के लिए लूसेंट पर्याप्त थी। हाँ, एकदम मतलब नॉर्मल ही था, ऐसे टच किया था। स्टैटिक जी के भी बहुत ही नॉर्मल आया था। लगता कि किस पाली में कैसे कौन से क्वेश्चन बढ़ा दे, किस सब्जेक्ट से किसका कम कर दे, ये कुछ नहीं। ये भी पूरी संभावना है, बिल्कुल बिल्कुल। ये ज्यादा कभी कर सकता है। हिंदी का जो पैसेज आया हुआ है वो भी बहुत मतलब सिंपल नहीं कि बस पढ़े और मार दी, उसको भी समझ के ही करना पड़ेगा। मतलब कि दोनों जो पैसेज आए थे ये बहुत ही समझ कर करने वाले थे। इंग्लिश का पैसेज, बच्चे बहुत डरते हैं सर इंग्लिश का पैसेज। इंग्लिश का पैसेज एकदम डायरेक्ट आया था, एकदम डायरेक्ट आया था। मतलब दो क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन थे? तीन क्वेश्चन थे और इंग्लिश के क्वेश्चन मतलब आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो मतलब पहली पाली का पेपर संपन्न हुआ, तो मतलब एकदम ऐसा क्या दिल में घबराहट तो नहीं है अब? नहीं, मतलब ऐसा था ना कि बढ़िया है, सफल तैयार है, बढ़िया। तो हम लोग परीक्षा गुरु के परिवार से हैं, हमारे करंट अफेयर में से कई सारे क्वेश्चन फंसे हैं। आप वीडियो, हाँ मतलब करंट, यानी अगर कोई पीआईबी भी पढ़ता है और कोई भी चैनल ऐसा नॉर्मल ज्वाइन कर रखा है तब भी आपके करंट के क्वेश्चन फंसे। करंट आसान था, मतलब अभी लेटेस्ट ये बताइए, एक प्रश्न बच्चों के मन में आएगा कि अभी हाल ही में जो कितने महीने का करंट अफेयर पढ़े, सबसे बड़ा प्रश्न है कि कितने महीने का करंट अफेयर दोहरा के आए जो आगे आने वाले बच्चे हैं? काफी रहेगा जुलाई के, हाँ जुलाई से बाद वाला 6 महीने, मतलब 6 महीने। जो लोग कह रहे थे कुछ यूट्यूबर्स की 2 से 4 महीने पढ़ लो, 3 महीने पढ़ लो, ऐसा नहीं है, कहीं से भी उठा लिया है जुलाई से भी। 4 to 6 months बहुत ही ज्यादा हार्ड थी, बाकी तो सब अपनी जगह में ठीक था, क्योंकि हिस्ट्री जियोग्राफी ठीक थी। पिछली बार जैसे एकदम चंपुओं की तरह मैथ नहीं आई थी, एकदम नॉर्मल मैथ नहीं थी। इस बार का मैथ बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था, मतलब कैलकुलेट एक क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार डाटा मतलब बहुत ज्यादा था, वही मतलब ऐसे करके ना बहुत ज्यादा डाटा कैलकुलेटर दे दिया था। एक बार ग्राफ का क्वेश्चन था, यस सर, और एक लाइन ग्राफ का क्वेश्चन था। लाइन ग्राफ का, तो लाइन ग्राफ वाला ज्यादा टफ था या बार ग्राफ वाला? लाइन ग्राफ, उसमें सर समझ ही नहीं आ रहा था, डार्कनेस की बहुत आ रही थी। लाइन दो लाइन में, अच्छा लाइन स्पष्ट थी नहीं, चलिए कोई बात नहीं। वो तो खैर जो है, कुछ क्वेश्चंस भी मुझे लग रहा है डाउट में गए हैं, एक दो डाउट में ऑप्शन गलत है, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस डाउट में थे।
जो बार वाली थी, लाइन वाली थी, लाइन वाली बिल्कुल डाउट में थी, किसी को कन्फर्म ही नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आई थी कि कौन सी हल्की कौन सी ज्यादा डार्क। चलिए साथियों, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप परीक्षा गुरु से जुड़े। देखिए जो एग्जाम मास्टर हमारा चैनल है, इस एग्जाम मास्टर चैनल में हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, हमारे नोट्स से बाहर ज्यादातर क्वेश्चन नहीं जाते, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो हो, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स भी हैं हमारे बीच में जो शुरुआत में मिल गए थे हमें, हमारे साथ शुरुआत से है। तो भैया ये आप बताएं प्लीज, जो है क्या आप बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमने पढ़ा दो तीन पहले महीने पहले हमने YouTube ज्वाइन किया तो उसमें हमें अच्छा लगा, एग्जाम मास्टर ज्वाइन करके हमने पढ़ा, जो नोट्स ली हमने हैंड राइटिंग वाली उससे भी काफी क्वेश्चन फंसे, जहां तक टीचर जैसा ओपिनियन देता है हम फॉलो करें अगर, तो कुछ ना कुछ हद तक अपना टीचर बेस्ट ही देता है। अच्छा था, धन्यवाद एग्जाम मास्टर का भी। हाँ, तो बात ये थी कि देखो मतलब शुरुआत से ही हमें कुछ लोग मिल गए थे जो हमारे सब्सक्राइबर्स थे, जो हमें देख रहे थे, वॉच कर रहे थे, तो लगभग करंट हो गया, करंट के बाद और भी टॉपिक से वहां से क्वेश्चन आए थे, जो जीएस की हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं वहां से भी क्वेश्चन लगातार फंसे थे। तो एक बहुत ही आसान भी पेपर कह सकते हैं और डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, दोनों चीजें बोल सकते हैं, एवरेज में मतलब बीच में अधर में लटका सकते हैं हम इस पेपर को। ठीक है, चलिए साथियों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्यारे बच्चे जो द्वितीय पाली का पेपर दे रहे हैं, वो द्वितीय पाली के पेपर के लिए आप लोग तैयार रहिए, अगले पेपर के लिए आप सभी को परीक्षा गुरु एग्जाम मास्टर के परिवार की तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और साथियों आप सभी लोग बेहतरीन परीक्षा की तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। करंट अफेयर के कई क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, आपके जीएस के लगभग अतुल सर, आपके प्रियंका मैम, आपकी सौरभ सर, सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत अथक परिश्रम के बाद बेटा कई सारे प्रश्न आए हैं आपके सामने देखने के लिए। अभी हम जल्दी से जल्दी आपके लिए आंसर की भी जारी कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 बजे के अंदर आपके पास आंसर की होगी, उसे देखिए और बेहतरीन तरीके से अपने आगे की परीक्षाओं को बेहतर करिए।